आज हम चलो इस टॉपिक को उठाते हैं कि भाई अच्छा एक्टर कैसे बनता है कोई। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि एक्टिंग क्या होती है। मेरे हिसाब से तो एक्टिंग वो होती है जो एक्टिंग ही नहीं होती। आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं और अगर आप बोलोगे एक्टिंग मत करो तो फिर एक्टिंग क्या होती है। एक्टर सबसे अच्छा वो होता है जो कभी भी कैमरे के सामने ऐसा ना लगे कि वो एक्टिंग कर रहा है। जितना वो नेचुरल के करीब हो जाएगा उतना अच्छा एक्टर माना जाएगा। जैसे अगर हम आज के एक्टरों का एग्जांपल लें, इरफान को पकड़ सकते हैं, चंद एक्टर और भी हैं, नवाजुद्दीन है, पता नहीं ये जितने भी अब आज कल के जो सो कॉल्ड एक्टर्स आए हैं, ये लोग पता नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं, नेचुरल बात करते हैं। एक जमाने में हिस्टोरिकल फिल्म या बड़े बड़े थिएटर चलते थे, पारसी थिएटर चलते थे, उस जमाने की एक्टिंग की स्टाइल होती थी, आप आइए ना, आप कहाँ चले गए थे, बैठिए ना, बोलता हाँ प्रिय मैं बैठता हूँ। अशोक कुमार तक भी ऐसी एक्टिंग शुरू शुरू में क्या करते थे। उसके बाद में एक एक्टर आया जिसका नाम है यूसुफ खान, दिलीप साहब, दिलीप कुमार, एक नेचुरल एक्टिंग उस वक्त कैलकटा में चल रही थी। उसने आते ही पूरा बोलने का अंदाज बदल दिया। उसने कहा बैठिए, मैं कहा जा रहा हूँ आपसे, आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। इसने एकदम नेचुरल बना दिया। That phenomena changed the whole style of acting into today's acting, जिसको हम natural acting बोलते हैं। और मैं आज भी कुछ एक्टर हैं, जैसे कि मैं अगर इरफान से अपने आप को कंपेयर करूं तो इरफान जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। मैं एक ड्रामेटिक एक्टर हूँ, मुझे डायलॉग्स चाहिए, मुझे लार्जर देन लाइफ रोल चाहिए। अब जैसे कि मैं इसे अपनी तारीफ कहूँ या मैं इसे अपनी कमजोरी करूँ कि मैं नॉर्मल कैरेक्टर या जिसे आप कह सकते जो लाइफ में घूम रहे हैं आजकल आपके आसपास, वैसा रोल करना मेरे लिए मुश्किल है, तो ये मेरा असेट है या मेरी कमजोरी है। मैं इरफान नहीं बन सकता, इरफान मुकेश खन्ना नहीं बन सकता। लेकिन अगेन अगर आप एक्टिंग की बात करें कि अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप तो पहले कैमरे को भूल जाइए, चाहे वो आपका कैमरा एक मोबाइल कैमरा हो, चाहे वो आपका आजकल के जो 4D 5D कैमरास आ जाते हैं, या एक जमाने में मिशन कैमरा हुआ करता था जो चलते चलते आवाज करता था, जिससे प्रोड्यूसर की भी बीपी हाई होती थी कि ये शॉट जल्दी करो, मेरा रोल जा रहा है। आजकल वो रोल की कमी नहीं है तो किसी को कोई फिक्र नहीं, आप भले 10 रीटेक कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि आपको ये भूल जाना चाहिए कि आप कौन से कैमरे के सामने या कैमरा है कि नहीं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में देखते हैं कि कोई आदमी इतना अच्छी बातें करता है, इतने अच्छे जोक्स सुनाता है, लोगों को एंटरटेन करता है, उसको सडनली बोलो कि चलो मैं अभी आपको शूट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। वो जैसे ही उसको वहां पड़ा उसके सामने कैमरा है, अब उसके अंदर से कहीं ना कहीं से कॉन्शियसनेस आती है, वो तो ओके ओके ठीक है वो बाल बनाता है, फिर वो अपने को ना थोड़ा सा देखता है मेरे, और वो करता। उसमें उसकी नेचुरल जो उसके तरीका था वो उस वक्त नहीं आएगा। उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ द कैमरा, जो हर इंसान में होता है, जिसे हम स्टेज फ्राइट कहते हैं, वैसे कैमरा फ्राइट होता है। जैसे ही किसी को मालूम पड़े कि कोई आदमी उसको खींच रहा है तो वो थोड़ा सा अननेचुरल हो जाता है। सो पहला पॉइंट, अच्छा एक्टर बनना है तो नेचुरल बनना।